एमजी रोड मेट्रो स्टेशन गुरुग्राम आए हुए हैं, जहाँ की आप देख सकते हैं कि यहाँ जो ई रिक्शा चलाने वाला है, यहाँ करीब 150 से 200 के करीब ई रिक्शा चलती है। तो इन लोग आज जो है पुलिस प्रशासन की मनमानी को लेकर यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। देखिए गुड़गांव में एमजी रोड पर हम लोग ऑटो रिक्शा चलाता है, पुलिस वाला आतंक करते हैं। या तो रॉन्ग साइड जाओ तो ऊपर भी 500 का चलान काटते हैं, और साइड में जाओ तो ऊपर भी चलान काटते हैं। ये लोग खड़ी गाड़ी में भी चलान काटते हैं। ये रिक्शे वाले जो है ना, एक दूसरे में इतनी बुरी तरीके से भिड़ा के चलते हैं रिक्शे को कि बैक साइड में हमें कितनी बार लग भी जाती है, और सवारी को बैठने भी नहीं देते, उससे पहले ही आगे कर लेते हैं। करीब 150 से 200 के करीब ई रिक्शा चलती है। तो इन लोग आज जो है पुलिस प्रशासन की मनमानी को लेकर यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, और आज अपना ई रिक्शा इन्होंने बंद रखा है पुलिस प्रशासन के ज्यादती के खिलाफ। और इन लोगों का कहना है कि हमारा डेली चालान कट रहा है, मनमानी तरीके से चालान पुलिस काट रही है, बिना वजह चालान काट रही है। किसी का 3,000, किसी का 5,000, किसी का 7,000 ऐसे चालान कट रहा है। उसके बाद भी 15,000 अभी अभी बता रहे कि 15,000 का भी चालान कटा। एमजी रोड जो है गुड़गांव का जो है सबसे पॉश एमजी रोड इलाका है, सबको मालूम है, और डेली चूंकि इंडस्ट्रियल इलाका है, ये इंडस्ट्रियल हब है, और मैक्सिमम पैसेंजर जो है एमजी रोड से उतरते हैं, जो कि उद्योग विहार वगैरह सेक्टर 18 जहाँ भी इंडस्ट्रियल एरिया जाते हैं मॉर्निंग में। आज क्या मामला हुआ? आज मामला ये है कि अभी ये लोग परेशान है दो तीन मुद्दे से, कि एक तो बहुत ज्यादा चलान हो रहा है, एक ई रिक्शा का 5,000, 7,000, 8,000 इस टाइप का चलान हो रहा है, जो कि गरीब आदमी इतना अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो इन लोगों ने जब बताया कि इस टाइप का चलान हो रहा है, अब मैक्सिमम चलान इफ्को चौक के पास बता रहे हैं लोग, जैसा ही लोग बता रहे हैं कि इफ्को चौक के पास हो रहा है, और साथ में अभी मालूम चला है कि कुछ लोग बता रहे हैं कि वहाँ पे कुछ पुलिस वाले मारपीट भी करते हैं, कि आज इस टाइप की कुछ घटनाएं कुछ भाइयों ने बताया। तो मैं सुना उन लोगों की बात सुना, आगे प्रशासन के ऑफिसर भी आ गए हैं, इन लोगों के साथ भी डिस्कस हुआ कि जो लोग भी अगर इस टाइप का गलत करता है, प्रशासन का नाम खराब करता है, उच्च अधिकारियों का नाम खराब करता है, तो उन अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाए, जो भी कंसर्न टीआई साहब हैं और एसीपी साहब हैं, डीसीपी ट्रैफिक है, उन लोगों के नॉलेज में डाला जाए कि इस टाइप के एक बार मुलाजिम है जो कि माहौल खराब कर रहे हैं, ताकि आगे सो लोग इस पर प्रिकॉशन ले सकें। साथ ही ये घटना होने के बाद मैंने डीसीपी ट्रैफिक साहब से भी बात किया था, हम लोग रॉन्ग साइड वालों का तो फेवर कर ही नहीं सकते, कानून के साथ जो गलत करेगा उसके हम लोग आगे हैं। प्लस मनमाना भाड़ा भी सुनते हैं कई लोग। नहीं नहीं, ये अगर इस टाइप की अगर घटना है तो कभी हम इन लोगों के साथ नहीं है। बस ये साथ में है कि अगर इन लोगों के साथ जेन्युइन प्रॉब्लम है, जैसा इन लोगों ने बताया कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जाते हैं, बोलते हैं मैं ई रिक्शा वाला हूँ, तो बोलते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनता है। वो लोग बोलते हैं कि नहीं, कार का मोटरसाइकिल का बनाना हो तो बनेगा, ई रिक्शा का लाइसेंस नहीं होता है। दूसरी बात ये लोग बता रहे हैं कि ई रिक्शा जब हमने, बहुत सारे लोगों के पास तो रजिस्ट्रेशन है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास रजिस्ट्रेशन है लेकिन किसी कंपनी से इन लोगों ने लिया था, कंपनी ने बेचा था और रजिस्ट्रेशन भी है इन लोगों के पास, लेकिन जो आरटीआई के थ्रू जो होता है, उतना टेक्निकलिटी में मैं गया नहीं हूँ, लेकिन बोला कि वो नहीं है। तो ये भी अधिकारी के सामने बात होगी कि जो ओला कंपनी वगैरह जो था, जो बेच से पहले गया था, उन लोगों ने आरसी वगैरह जो अपना जो बना के दिया था, क्या वो वैलिड है कि नहीं है, नहीं वैलिड है तो उसके लिए क्या किया जाए। लोग सारथी चलाने वाले सारे यूपी बिहार झारखंड के रहने वाले है, और ई रिक्शा पर पुलिस वाले इतना अत्याचार कर चुके हैं। ये भाई साहब को देखिए, 14,000 की चलान कटा है, किसी को 13,000 के, 8,000 के, 7,000 की, इतनी चलान कट रही है। हम लोग कहा जाएंगे गाड़ी के 11,000 एम आई बताओ 10 रुपया पीछे भी कमाने वाले, 11,000 का चलान कहाँ से करेंगे? सुरेश कुमार सर, हमारा चालान हुआ है 7,000 का सर। इसलिए हुआ सर, चालान सीधे आ रहे थे तब भी चालान कर दिया सर। आरसी लाइसेंस, आरसी भैया लाइसेंस नहीं है सर, आरसी है बस, तब भी चालान कर दिया सर। मैं बोला सर, लेकिन कोई सुना ही नहीं, बोले सबका करेंगे चालान, बोलने का मौका नहीं सर देते हैं, सब चालान करते जाओ बस।
है कि जो नाबालिग है, जिनके पास पूरा डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उनको बंद कर दिया गया। ठीक है, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स है, लाइसेंस, आरसी, इंश्योरेंस सब कुछ ओके है, तो उनको क्यों परेशान किया जाता है? सब लोग यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल, अदर स्टेट से, सब लोग अदर स्टेट से है, कोई जी हम लोग प्रदेश आए हैं रोजी रोटी कमाने के लिए, उसके बाद हम लोगों को यहाँ परेशान किया जाता है। अब बताओ गाड़ी का किस तरह बहुत तरह के खर्चे हो जाते हैं, कहाँ से मेंटेन कर पाएंगे? बस डॉक्यूमेंट पूरा है, एक लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस का 5,000 का चलान है, उम्र हो गया 54+, अब कोई साधन ही नहीं है, यही मेरा साधन है कमाने खाने का, इसमें आप सब क्या राय दे रहे हैं? हमारे कहने का मतलब है कि हरियाणा सरकार लाइसेंस के लिए इश्यू करेगा तभी तो हम लाइसेंस बना सकेंगे। हम यहाँ कमाने खाने आए हैं कि लड़ाई तो नहीं कर रहे हैं? हरियाणा सरकार इशू कर दे लाइसेंस के, हम लोग लाइसेंस के लिए तैयार है। ठीक है, दूसरे में कि कोई रॉन्ग नहीं चलेगा, सब सीधा चलेगा, जो किराया होगा वही किराया लिया जाएगा, कोई अनुभव किराया नहीं लिया जाएगा। ठीक है, दूसरे में पुलिस वाले हमें तंग ना करे है, इस जो कागज नहीं है दिल्ली सरकार लागू किया ई रिक्शा पे लाइसेंस का, तो दिल्ली में ई रिक्शा चल रहा है, लेकिन हरियाणा में अभी ई रिक्शा चालू नहीं हुआ। ये रिक्शे वाले जो है ना, एक दूसरे में इतनी बुरी तरीके से भिड़ा के चलते हैं रिक्शों को कि बैक साइड में हमें कितनी बार लग भी जाती है, और सवारी को बैठने भी नहीं देते, उससे पहले ही आगे कर लेते हैं। प्लेन में रहो ना, तरीके से सबको सवारी दो ना, बारी बारी से, बारी बारी से बंदे जाएंगे तो बारी बारी से सब जाएंगे ना, टाइम पे निकलेंगे एकदम। आप लोग एक दूसरे को जल्दी 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 रिक्शा भिड़ा रहे, आना जाना करते, क्या नजारा रहता है? डेली अप डाउन कर रही, मैं 5 साल से यहीं से अप डाउन कर रही हूं, नजारा देख रही हूं। नजारा तो ठीक रहता है, बट कभी कभी जैसे पुलिस वाले रोकते हैं तो ये लोग अपनी मनमानी पे आ जाते हैं, जब पुलिस वाले नहीं रहते हैं तो ये लोग एक जल्दी जल्दी चल तू चल, मैं करूं, मैं तेरी सवारी भरूं, इस तरीके से करते हैं ये लोग।